फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कि कैसे आप अपने Vivo T3 एंड्रॉइड मोबाइल फोन में अगर आपके मोबाइल फोन का फेस लॉक अगर काम नहीं कर रहा है, उसमें प्रॉब्लम आ रही है, तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे कर सकते हैं। आज के इस वीडियो में मैं आपको डिटेल में जानकारी देने वाला हूँ, तो चलिए आप ये वीडियो को हम स्टार्ट कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, सबसे पहले मोबाइल फोन को एक बार रीस्टार्ट कर लेना है। एक काम ये भी करना है, मोबाइल फोन का फ्रंट कैमरा साफ कर लेना है, ठीक है। अगला काम ये करना है, आपके फोन में फाइल का ऐप है, इस फाइल के ऐप को ओपन कर लेना है। इस ऐप में आपको नीचे की साइड में ऐप्स का ये वाला ऑप्शन टैप कर लेना है। अब यहाँ पे आपको सबसे ऊपर सिस्टम ऐप जो लिखा हुआ है टैप करना है। इस वाले पेज में आपको नीचे आना है और आपको ये एंड्रॉइड सिस्टम का ऑप्शन टैप करना है। इसके अगले पेज में आपको नीचे स्टोरेज एंड कैच का ये ऑप्शन टैप करना है। अब यहां पर आपको एक क्लियर कैच का ऑप्शन टैप करना है, तो आपका कैच के सामने डेटा जीरो हो जाता है, ठीक है। अब आपको एक काम ये भी करना है कि आपने जो भी पहले वाला फेस लॉक लगा रखा है ना, उस पहले वाले फेस लॉक को डिलीट करके एक नया फेस लॉक आपको सेट कर लेना है मोबाइल फोन में। इससे भी फेस लॉक की प्रॉब्लम जो है सॉल्व हो जाती है, ठीक है। अब देखिए अगला काम ये करना है, मोबाइल फोन का सॉफ्टवेयर आपको चेक करना है कि अपडेट है या नहीं है। पहले फोन का इंटरनेट चालू रखना है, इसके बाद फोन का सेटिंग पेज ओपन करना है। इसमें सबसे ऊपर सर्च आइकन पे टैप करना है। अब यहाँ पे सबसे ऊपर सर्च बार में सिस्टम अपडेट आपको लिखना है। नीचे आपको सिस्टम अपडेट का ये ऑप्शन शो होता है, इसे टैप करना है। अब आपको इस वाले पेज पे कोई भी अपडेट का बटन या डाउनलोड इंस्टॉल अगर यहाँ पे लिखा हुआ दिखाई देता है, तो उसे टैप करके फोन का सॉफ्टवेयर अपडेट कर लेना है, ठीक है। अब देखिए अगला काम ये करना है, मोबाइल फोन को रीसेट करना है। देखिए दोस्तों, मोबाइल फोन को रीसेट आपको तब करना है जब मेरे बताए हुए पिछले प्रोसेस अगर काम नहीं करते हैं ना, तब आपको फोन को रीसेट करना है, अदरवाइज नहीं करना है। फोन को रीसेट करने के लिए फोन का सेटिंग पेज ओपन करिए। इसमें सबसे ऊपर सर्च आइकन पर टैप करना है। अब यहाँ पे सबसे ऊपर सर्च बार में रीसेट आपको लिखना है। आपको नीचे ऑप्शन मिलता है इरेज ऑल डेटा फैक्ट्री रीसेट, इसे टैप करना है। आपका फोन डायरेक्टली आपको सेटिंग में लाएगा। इरेज ऑल डेटा पर टैप करेंगे तो अगले पेज में सबसे नीचे इरेज ऑल डेटा का ये ऑप्शन टैप करना है। इससे आपका फोन जो है रीसेट हो जाएगा और की प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हो जाएगी। लेकिन फोन को रीसेट करने से पहले दो बातों का ध्यान रखना है। पहली बात ये ध्यान रखनी है, आपके फोन का जो डेटा है ना, उसका बैकअप ले लीजिए अपने फोन में। और दूसरी बात ये ध्यान रखनी है, आपके फोन की जीमेल आईडी और उसका पासवर्ड आपको पहले से नोट करके रख लेना है। तो ये दो काम पहले करना है, उसके बाद फोन को रीसेट करना है, ठीक है। तो मेरे बताए हुए तरीके आप यूज करेंगे तो इससे आपके मोबाइल फोन की फेस लॉक की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, ठीक है ना।